हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की आग लगने वाली है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जाट समर्थकों ने खट्टर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद अब सरकार ने राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 5 जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगा दी है। राज्य में पहले से ही CRPF के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सामान्य ड्यूटी के लिए 3 कंपनी तैनात की गई है। यहाँ एक कंपनी में करीब 120 जवान होते हैं। हालात ज्यादा बिगड़ने की स्थिति में रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां हालात संभालेंगी। इसी के साथ BSF के जवान भी तैनात किए गए हैं। हरियाणा पुलिस की माने तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जिंद और फतेहाबाद जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। 10% आरक्षण देने के फैसले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे सरकार और जाटों को खासा झटका लगा था। समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक की माने तो जाट न्याय रैली निकाली जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। शांतिपूर्ण आंदोलन में यदि पुलिस हिंसा का इस्तेमाल करती है तो प्रदर्शनकारी अपने हिसाब से काम करने को स्वतंत्र होंगे। आपको बता दे कि सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग के समर्थन में बीते फरवरी में जाट समुदाय ने आंदोलन किया था। इस दौरान हुई हिंसा में 30 लोगों की मौत हुई और 320 लोग जख्मी हुए थे। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। अब देखना ये होगा कि जाटों के आंदोलन पर खट्टर सरकार काबू पाने में कितनी सफल हो पाती है, या एक बार फिर हरियाणा इस आंदोलन की आग में झुलसेगा। देखते रहिए टीवी लाइव।